दोस्तों आज मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरीके से किया जाता है मरीचि आसन का अभ्यास, स्टेप बाय स्टेप पूरी टेक्निक इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। इसका नाम ऋषि मरीचि के नाम पर रखा गया है। वैसे तो इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो बेनिफिट्स हैं, चुनिंदा जो लाभ हैं, वो इस तरीके से हैं। अगर आप मरीचि आसन का अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बैक पेन की जिनको समस्या है उनको इससे बड़ी राहत मिलती है। शोल्डर जो है बहुत फ्लेक्सिबल और मोबाइल होते हैं, तो जिससे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, तो शोल्डर की स्टिफनेस, फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर भागेगी। इस आसन के अभ्यास से आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से बेहतर होता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स पर हल्का दबाव पड़ने के कारण आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन हैं, ये अच्छी तरीके से काम करती है। किडनी का फंक्शन इम्प्रूव होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपकी जो लीवर का फंक्शन है वो भी बहुत दुरुस्त होता है। तो सारे आंतरिक अंग अच्छी तरीके से काम करते हैं। जो भी लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं उनको इस आसन से बहुत मदद मिलेगी। साथ ही इस आसन का अभ्यास करते रहने से हमारे जो जननांग है ना, जेनाइटल पार्ट है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो महिलाओं के यूट्रस के लिए यह आसन वरदान है। साथ ही इस आसन के अभ्यास से पुरुषों में भी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी दूर भागते हैं, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ये स्वस्थ रखते हैं। ये तो हो गई ये बातें। साथ ही इस आसन के अभ्यास से आपका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, जिससे ब्रेन से पास ऑन होने वाले जो भी कम्युनिकेशन और सिग्नल्स हैं वो हमारे पूरे शरीर तक अच्छी तरीके से पहुँचते हैं, आपके मन को शांत करता है, काम डाउन करता है। तो बहुत से लोगों को हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द की समस्या, डिप्रेशन की समस्या होती है, उन सारी समस्याओं में भी आपको मरीचि आसन का अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, अगर आप इसका अभ्यास करते रहते हैं निरंतर तो आपके शरीर में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है और आप एक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। तो ये तो हो गई लाभ की बात, बेनिफिट्स की बात। सावधानियों की अगर बात करूं तो चूंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग यानी एक्सट्रीम इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, तो अगर ऑलरेडी आप साइटिका का पेन है, लोअर बैक का पेन है, या स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके की इंजरी हुई है, या एब्डोमिनल कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अगर कंधे पर कोई चोट है या शरीर में कहीं भी कोई रीसेंट चोट लगी है जिसकी वजह से इस आसन का आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो इस आसन को अभ्यास को आप अवॉइड ही करें। अब देखिए, बहुत से लोगों के लिए ये आसन को पहले अटेम्प्ट में कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। जो लोग पतले दुबले हैं शायद वो आसानी से कर लें, लेकिन जिनकी जो बॉडी की जो फाउंडेशन है वो मजबूत है, थोड़े हेल्दी हैं या स्टिफनेस ज़्यादा है, तो उनको करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस आसन को और आसान कैसे किया जाता है, इस आसन को और मॉडिफाई कैसे किया जाता है कुछ प्रॉप्स की मदद से। यानी आप दुपट्टा या कोई स्ट्रैप या कि फिर कोई टाई या बेल्ट रेडी रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से बताने वाली हूँ। सांसों का कैसे ध्यान रखना है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को बहुत आराम से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तब देखिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और ये वीडियो या मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आइए सिखाती हूँ किस तरीके से आप करेंगे मरीचि आसन का अभ्यास। लेकिन उसके पहले थोड़ी प्रिपरेशन की जरूरत होगी, क्योंकि इस आसन के अभ्यास के लिए आपके शोल्डर्स का वार्म होना, आपकी इनफैक्ट पूरी बॉडी का वार्म होना, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो सबसे पहले काम की शुरुआत करेंगे अपने शोल्डर से। तो दोनों हाथों को इस तरीके से बॉडी के सामने खींचें अच्छी तरीके से। अब दोनों हाथों को अपनी एल्बो से, अपनी कुहनिया से मोड़कर
दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के ऊपर रख दें। अब दोनों एल्बो को कोहनियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ें और सांस लेते हुए ऐसे जितना हो सके ओपन करें। चेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से इससे ओपन हो रही है। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, जोड़ दिया, सांस लिया, दोनों को एक दूसरे से दूर किया, सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। ध्यान रखिएगा कि रीढ़ की हड्डी ऐसे ना हो कि ऐसे झुका के कर रहे हैं, कमर सीधी। सांस लें, सामने देखें, दोनों एल्बो को एक दूसरे से दूर करें और सांस छोड़ें, एक दूसरे से जोड़ दें। तो इसका अभ्यास 10 से 15 बार आप ऐसे कर लें, शोल्डर्स को ओपन करना और फिर क्लोज करना। आउट एंड इन, आउट एंड इन। तो ये हो गया पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, अब एल्बोस को अप एंड डाउन करना। तो फिर से दोनों हाथों को ऐसे खींचा सामने बॉडी के, दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर रख दिया, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे कंधे के ऊपर रख दिया, एल्बो को इस तरीके से जोड़ा और फिर धीरे से एल्बो अप एंड एल्बो डाउन, एल्बो अप एन एल्बो डाउन। ध्यान रखिएगा बहुत से लोग एल्बो को ऐसे दूर करके अप एंड डाउन करेंगे। कोशिश करें आप अपने दोनों बाजुओं को कान के पास जितना रख सके उतना रखें। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें, एल्बो टुवर्ड्स द सीलिंग, छत की तरफ, और सांस छोड़ें, दोनों आपकी कुहनियाँ जो हैं वो फ्लोर की तरफ। 5 बार इसका अभ्यास करके बता रही हूँ। सांस लिया छत की तरफ, सांस छोड़ा आपकी कुहनियाँ फ्लोर की तरफ। Inhale up and exhale down. Last one. Inhale up and exhale down. तो in and out कर लिया, up and down movement कर लिया। अब हम diagonal move करेंगे अपनी elbows को। तो दोनों हाथों को फिर से body के सामने stretch किया, दोनों हाथों को ऐसे कंधे के ऊपर रख लिया, shoulder के ऊपर रख दिया, दोनों elbow को ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। अब राइट एल्बो टूवर्ड्स द सीलिंग, लेफ्ट एल्बो टूवर्ड्स द फ्लोर। फिर उसके बाद सांस ले लिया, सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों एल्बोस को एक दूसरे के साथ जोड़ा, लेफ्ट एल्बो अप टूवर्ड्स द सीलिंग, राइट एल्बो टूवर्ड्स द फ्लोर। इसी को 5 बार बता रही हूँ। आप सारे अभ्यासों को कम से कम 10 से 15 बार कीजिएगा। सांस लीजिए और सांस लेते हुए दोनों एल्बोस को एक दूसरे से दूर किया, सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को जोड़ दिया। सांस लीजिए एक्सपेंशन, सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्शन, सांस लेते हुए दूर, सांस छोड़ते हुए पास, सांस लीजिए एक दूसरे से दूर और सांस छोड़ते हुए पास। ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा। कोशिश कीजिए कि बॉडी को स्टेबल रखिए। बहुत से लोग यूं करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें पूरी बॉडी को नहीं घुमाना है, पूरी बॉडी को स्टेबल रखना है और सिर्फ अपने एल्बो को मूव करना है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए फिर दूर करें। तो इससे आप देखेंगे बहुत हद तक सिर्फ इतना ही अभ्यास कर लें अगर, तो आपके कंधों के आसपास जो कड़ापन है उसको कम किया जा सकता है। अब इन सारे मूवमेंट को एक साथ अभ्यास करेंगे 360 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो दोनों हाथों को फिर से बॉडी के सामने स्ट्रेच किया, दोनों पाम्स को कंधे के ऊपर रख दिया, गहरी लंबी सांस लेते हुए एल्बो अप टुवर्ड्स द सीलिंग और पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए सांस छोड़ दिया। सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए, एक बार और सांस लीजिए और सांस छोड़िए। तो देखा आपने, सिर्फ कंधे घूम रहे थे, बहुत से लोग ऐसे करेंगे, ऐसे पूरी बॉडी को घुमा डालेंगे, ये ये। तो इस तरीके से पूरी बॉडी आपकी ना मूव हो, काम कहाँ पे हो रहा है, कंधों पर, तो सिर्फ कंधे मूव हो। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद एल्बो डाउन, सांस लेते हुए चेस्ट को पूरा ओपन करें, एल्बो अप टुवर्ड द सीलिंग, सांस छोड़ें, ऐसे सामने देखते हुए कमर गर्दन और आपका सर एक लाइन में, सांस लें एक्सपेंशन, छाती खुल गई, और सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को ऐसे साथ जोड़ लिया। तो इसका भी अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार 20 बार, जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना ही ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब जरा कंधों पर तो काम कर लिया, अब बैठे बैठे ही रीढ़ की हड्डी को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। ये काम बैठे बैठे करना है तो कोई भी इंसान इसका अभ्यास कर सकता है। अब दोनों हाथों को ऐसे आपने अपनी घुटने के ऊपर रख दिया,
अब दाहिने हाथ को बॉडी के पीछे रख दें, बाएं हाथ को अपने दाहिने घुटने के ऊपर रख दें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए जितना हो सके पीछे देखें, दाहिने कंधे की तरफ ऐसे। फिर सांस ले लें, सामने देखें, राइट पाम, लेफ्ट नी, लेफ्ट पाम एट द बैक ऑफ योर बॉडी, टर्न योर हेड टूवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर, लुक बैक। सांस लें, सामने देखें और सांस छोड़ें पीछे देखें, ऐसे चेंज करते रहे। सांस लें, सामने देखें, सांस छोड़ें पीछे देखें पूरा। तो इसका दबाव आपको पेट पर, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर, गर्दन पर, कंधों पर देखने के लिए मिलेगा। तो जिनको, जिन लोगों को बहुत बैठना पड़ता है ना ऑफिस में, पीछे देखें ऐसे ऐसे। जरा पीछे की तरफ से भी देखिए कैसे घूमना हो रहा है। ऐसे आराम से पालती मार के बैठ गए और ऐसे पीछे देख रहे हैं, ऐसे चेंज किया, फिर ऐसे पूरा पीछे देख रहे हैं। बहुत हाथ पीछे भी मत रख दीजिएगा, बहुत करीब भी मत रख दीजिएगा, ऐसे सांस छोड़ते हुए पीछे। तो इसका भी अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार आप कर लें। अब जरा ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हुए जरा हल्की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। दोनों पाम्स को ऐसे बॉडी के पीछे जोड़िए एक दूसरे के साथ, उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसाइएगा, ऐसे ऐसे फंसाइएगा ऐसे, और फिर धीरे से अपने शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक कीजिए और एल्बो को सीधा कीजिए, अपनी कूहनी को सीधा कीजिए। देखिए चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गई, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए देखिए स्पाइरल कॉर्ड सीधी, ऐसे गोल गोल नहीं कर रखी, सीधी रखिए। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे आपकी चेस्ट जो है फ्लोर की तरफ जा रही है, चेस्ट काफ मसल्स को टच कर रही है। एंड हेड डाउन, ऐसे सांस लीजिए, फिर से बैठ जाइए, सांस छोड़िए और सामने की तरफ धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करते हुए ऐसे। एक बार और सांस लीजिए। इसका अभ्यास कम से कम आप 5 से 10 बार कर ले, सफिशियंट है। छत की तरफ देखें, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हेड डाउन, और फिर अपने हाथों को छोड़ दें, हाथों को ऐसे झटका दें, लूजन करें, लूजन करें, और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और दोनों पैरों को सीधा करें और थोड़ा सा रेस्ट करें स्थिर दंडासन में। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के थ्रू कंडक्ट किया जाता है और इन जूम योगा क्लासेस के माध्यम से आज मैं देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। इन जूम योगा क्लासेस के माध्यम से आप किसी भी हेल्थ कंडीशन, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या घट जाना, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी, PCOD, PCOS की समस्या, ऐसी समस्याओं, साथ ही जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी में स्टेमिना गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये क्लासेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप ऐसी किसी हेल्थ कंडीशन से उभर रहे हैं ना, तो दवाइयों के साथ साथ आप इन योगा क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और उन सिम्टम्स से, उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस से आपको उभरने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला कदम रखा जाए, योग के क्षेत्र में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा जो एक कोर्स डेवलप किया गया है योगा फॉर बिगनर्स का, इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स और जो क्लासेस हैं इनके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप जो ये वेबसाइट शेयर की जा रही है इस वेबसाइट पर विजिट कर लें, या कि फिर आप जो ये नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर एक व्हाट्सएप करते हैं तो आपको इन क्लासेस और इस कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। अब हमने बहुत अच्छी तरीके से बॉडी को वार्म कर लिया, यानी हमारे कंधे भी वार्म हो गए, हमारी स्पाइन भी वार्म हो गई, लोअर बैक भी। और ज़रूरी है जब भी आप कोई भी योगाभ्यास करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, उसके पहले आपकी बॉडी को अगर वार्म कर लेते हैं आप, तो आप उस आसन को अच्छी तरीके से करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती है। तो मरीच आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लिया और
दंडासन में बैठ गए। दंडासन में बैठने के बाद अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ा धीरे से ऐसे, राइट फुट को लेफ्ट नी के थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रखने के बाद फिर ध्यान रखिएगा जो राइट एड़ी है वो आपके पेल्विक रीजन के ऐसे करीब हो, बहुत एकदम नज़दीक भी मत रखिएगा लेकिन थोड़ी सी करीब हो। फिर उसके बाद बॉडी का वेट अपने लेफ्ट पैर की तरफ, लेफ्ट हिप की तरफ शिफ्ट किया, दाहिने हाथ को ऐसे छत की तरफ खींचा जिसे स्पाइनल कॉर्ड लेंथन हो जाए, सांस लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ हाथ खींचते हुए अपने दाहिने हाथ को दाहिने पैर के अराउंड इस तरीके से ऐसे घुमाएं और फिर उसके बाद धीरे से अपने दाहिने हाथ का जो उंगलियां हैं उनको बाएं हाथ के साथ एक दूसरे के साथ लॉक कर दें, सांस तो छोड़ी हुई है, और फिर धीरे से अपने हेड को, अपने माथे को अपने घुटने की तरफ ऐसे ड्रॉप करें। तो फिर आप अपनी चिन को ड्रॉप करें ऐसे, फिर सांस लें, धीरे से हेड अप करें और फिर पॉस्चर को रिलीज कर दें। तो सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पॉस्चर में गए, सांसों को रोक के रखा और फिर सांस लेते हुए पॉस्चर को रिलीज कर दिया। तो कम से कम मिनिमम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड या 30 सेकेंड इस पॉस्चर को रोक के रख सकते हैं। अगर सांसों को रोकने में आपको दिक्कत आ रही है तो सांसें लेते और छोड़ते रहें, असुविधा महसूस ना करें। एक बार इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से देखें किस तरीके से कर रही हूँ। तो दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को छत की तरफ खींचा, सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए आराम से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके गई और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ लॉक कर दिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को, फोरहेड को या अपनी चिन को घुटने की तरफ ड्रॉप करें ऐसे, माथा या चिन, फिर सांस ले लें हेड अप और फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज कर दें। एक बार इसको पीछे की तरफ से देखिए कि किस तरीके से आपको हाथ को जो है तो लॉक करना है, इसकी भी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से जब आप आगे की तरफ ऐसे जाएंगे, झुकेंगे ऐसे, तो पीछे की तरफ हाथ को ऐसे ऐसे फंसाएं ऐसे इस तरीके से। अब देखिए जो लोग पतले दुबले होंगे उनके लिए तो इस तरीके से हाथ को फंसाना आसान है। जो लोग पतले दुबले हैं ऐसे आगे की तरफ झुके और फिर उसके बाद हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेके गए और एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लिया ऐसे, तो इस तरीके से फंसाना थोड़ा आसान है। लेकिन अब जिन लोगों की बड़ी ही ज़्यादा स्टिफनेस है बॉडी में, फ्लेक्सिबल नहीं है इतने ज़्यादा, तो उनके लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। तो आप घबराएं नहीं, अगर बिगनर भी हैं तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे मैं बताती हूँ। आपको एक दुपट्टा ले लें, दुपट्टा नहीं है तो कोई टाई है, बेल्ट है, या आपके पास अगर ऐसी योगा स्ट्रैप है तो आप ये ले लें। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है तो घबराइए नहीं, आप इसको अमेजन से आसानी से मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपकी मदद के लिए। तो अपने दाहिने पैर को फिर से घुटने से ऐसे मोड़ लिया और राइट फुट को लेफ्ट थाई के पास रखा। अब क्या किया कि दोनों हाथों से अपनी योगा स्ट्रैप को ऐसे पीछे की तरफ से, ऐसे जब आप पकड़ेंगे ना तो दोनों हाथ से ऐसे योगा स्ट्रैप ऐसे पकड़िएगा, ऐसे हथेली खुली हुई है ऐसे योगा ब्लॉक पकड़ा, योगा स्ट्रैप पकड़ा ऐसे मत पकड़ लीजिएगा। पाम नीचे की तरफ नहीं बल्कि पाम जो है वो फ्लो छत की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ नहीं ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे पकड़ लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ऐसे पकड़ने के बाद मान लो कि किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ही कम है तो फिर क्या किया, ऐसे पकड़ा, सामने देख रहे हैं, सांस लिया और फिर ऐसे अपनी दाहिने हाथ का ऐसे गोल गोल सर्कल बना के और धीरे से अपने दाहिने हाथ को ऐसे अपने राइट शोल्डर को राइट नी के ऐसे ऊपर ऐसे चढ़ा दिया। अब तो है
कि यहाँ पे ये चीज फंस गई, अब हाथ को धीरे धीरे, और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ ऐसे वॉक करवाएं, धीरे 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 जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचे और जहां तक सामने झुक सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका माथा जब छुए या चिन छुए तभी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कि आपके कंधे अच्छी तरीके से खींचे हुए हैं, लोअर बैक खींची हुई है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी है और पेट पर हल्का दबाव आ रहा है, छाती आपकी थाई की तरफ है और अगर यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर होल्ड करें ऐसे, और अगर इतना पास नहीं पकड़ सकते इतना दूर पकड़ के रखें और फिर उसके बाद सांस चाहें तो लेते रहें, छोड़ते रहें और जितनी देर तक इसको होल्ड करना चाहें उतनी देर तक होल्ड करें, क्योंकि हर एक योग अभ्यास जो होता है वो हमारे अपने शरीर के लिए होता है, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो अगर हो सकता है कोई दूसरा बड़ी आसानी से वो आसन का अभ्यास कर ले रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस में बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि किस तरीके से आप मरीच आसन का अभ्यास करके इस आसन से होने वाले जो लाभ हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसमें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर, आपके सजेस्टेड किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली आने वाली जो वीडियोस हैं आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो बेझिझक होके नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चूँकि वीडियो आपने अंत तक देख ली होगी, मेरा प्रयास आपको पसंद आ ही गया होगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब 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 शेयर कीजिएगा। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का, सभी का खूब ख्याल रखिए। योग अभ्यास हर दिन निरंतर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।